बस के कैबिन से बाहर निकले, 4 से 5 सेकंड में 3 से 4 कदम चले और एक्सीडेंट हो गया। कैबिन में ड्राइवर सहित 16 लोग थे, एकमात्र जीवित बचे। चश्मदीद से जानिए एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ। 16 में से 15 की मौत हो गई थी इस एक्सीडेंट में। 4 से 5 सेकंड में 3 कदम बस के अंदर चलकर मौत को हरा दिया संजीत कुमार ने। सुहागी हादसे में केबिन में थे, बाहर निकले और एक्सीडेंट हो गया। केबिन में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई। हादसा सुहागी थाना अंतर्गत सुहागी में 3 गाड़ियों के आपस में टकराने से हुआ था धनतेरस के दिन, जिसमें बस में सवार केबिन में बैठे सारे लोगों की मौत हो गई थी। पेशे से ड्राइवर हैं संजीत कुमार, बिहार के रहने वाले। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पैर टूटने की वजह से इलाज करा रहे थे, तभी हमारी टीम ने इनसे बात की। संजीत का साफ तौर से कहना था, हम नागपुर से चले कटनी में, हमने गाड़ी बदली, हमारी गाड़ी में जो 2 ड्राइवर आए थे, एक वापस लौट गया और एक इस गाड़ी में आ गया। हमारे साथ के सारे लोग केबिन में जगह मिलने से वहीं पर थे। जितने लोग साथ थे सब के सब केबिन में थे। एक्सीडेंट से थोड़ी देर पहले हाथ खाया, उसके बाद जाकर केबिन में खड़े हो गए, क्योंकि मैं ड्राइवर हूं, मैं देख रहा था। ड्राइवर ने जब गाड़ी का गियर बदला तो वह न्यूट्रल हो गई, गियर ही नहीं लगा, जिसकी वजह से ब्रेक भी नहीं लगा और स्पीड तेज हो गई। साथ ही गाड़ी एयर ले रही थी, एयर लेने का मतलब है ब्रेक ना लगना। मैं गाड़ी चलाता हूँ इसलिए मैंने देख लिया था कि गाड़ी ढलान में है और कुछ गड़बड़ी है। मैं केबिन से बाहर निकला, अपने साथियों से भी कहा केबिन से बाहर निकलो, मौका मिले तो गाड़ी के बाहर कूद जाओ, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। केबिन से निकलकर मैं मुश्किल से 3 कदम ही चल पाया था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। यह सब हुआ 4 से 5 सेकंड के अंदर। कुछ यह कहना था, केबिन के अंदर बैठे अंतिम समय में बाहर निकलने वाले बिहार के संजीत कुमार का, जो इस हादसे में बिल्कुल सकुशल बच गए। आपको सुनाते हैं 15 मौतों वाले हादसे में खुश नसीब संजीत कुमार की दास्तान उन्हीं के जुबानी। और हम लोग हैदराबाद से चले नागपुर में आकर दूसरा बस चेंजिंग किया, ड्राइवर भी चेंजिंग हुआ, और जो हम लोग के साथ में ड्राइवर आ रहा था उसका एक ड्राइवर इसमें आया और एक गया उसमें। जब इसमें बैठे तो इसका गाड़ी का गियर सही नहीं ले रहा था, पूरा कड़क कड़क मार रहा था, ब्रेक भी सही नहीं था, ब्रेक दबाने से एयर निकल रहा था, जब एयर निकलेगा तो सही ब्रेक नहीं लगेगा। वहाँ से आए यहाँ पे होटल में, हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद वहाँ से चले, वही हुआ आदमी। गाड़ी चल रही थी, गियर डाउन करने के लिए सोचा, गियर डाउन नहीं हुआ, न्यूट्रल हो गया, गाड़ी का पिकअप बढ़ गया। जब गाड़ी का पिकअप बढ़ा तो ब्रेक भी नहीं लगा, ब्रेक नहीं लगने के बाद में वही गाड़ी अनबैलेंस हो गया। आप सबसे आगे बैठे थे, पीछे कैसे आए? वहाँ से हमको पता चल गया हम ड्राइवर हैं, गाड़ी का लिमिट से ज़्यादा पिकअप बढ़ गया, ब्रेक नहीं पकड़ रहा था, इसलिए वहाँ से हमको भागना पड़ा। कुछ लोग को भी बोले उसमें कि भागो, नहीं भाग, वहाँ से मैं भागा। ज़्यादा दूर नहीं, हम सोचे नीचा कूदने के लिए पीछे के गेट से, अगर नहीं कूद पाए तो आधे भागे, उसी समय एक्सीडेंट हो गया। कितने समय में ये आपने फैसला लिया? भाई 5 से 6 सेकंड में। क्या वहाँ ज़्यादा दूर नहीं भागे, 2-3 कदम आगे बढ़े, पूरा आदमी था उसमें, भागने भी नहीं पाया, बड़े तब तक गई लड़की। क्या नाम है? संजीत कुमार। क्या आपको लगता है कि आपने जो फैसला लिया तो आपकी जान बच पाई? जी सर, जी सर, क्योंकि हमारे साथ में जो भी लोग थे एक भी नहीं बचे, सब कोई खत्म हो गए। एक हम ही है जो उस जगह से, हम ही सही है, जिंदा है।